हाय फ्रेंड्स, सो मैं निकल चुका हूँ टूर के लिए। तो अभी मैं खड़ा हूँ अम्बाला कैंट में। अम्बाला से जो मेरी जर्नी है वो शिरडी के लिए है। तो अभी 7 बजे मेरी शिरडी की ट्रेन है और उसके आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और इस वीडियो में सब कुछ दिखाया जाएगा आपको, आपको कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। होप सो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो ये वीडियो भी मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो अभी मैं अम्बाला कैंट में खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ अम्बाला कैंट कैसा लगता है देखने। तो अभी रात का टाइम है तो आपको मैं रात का व्यू दिखाता हूँ। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है ट्रेन का वेट करना। अभी यहाँ वहाँ घूम के मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन आ रही है मेरी। काफ़ी खुशी होती है जब ट्रेन आ जाती है। तो फ़िलहाल अभी तो थक चुका हूँ मैं घूम घूम के यहाँ। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है अभी, तो अभी मैं जाता हूँ उस पर। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो रात को मैं जल्दी सो गया था, तो काफ़ी थक चुका था। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और ये कुछ व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये जो व्यू हैं ये सब अम्बाला से शिरडी के सफ़र में देखने को मिलते हैं आपको इस तरह के। तो अभी फाइनली रात को मैं 7:30 बजे शिरडी पहुंचने वाला हूं, क्योंकि ट्रेन थोड़ी लेट हो चुकी है। तो अभी हम सीधा मिलते हैं शिरडी। सो बाय। चाय के साथ बड़ा पाव खाया जा रहा है और अभी मैं महाराष्ट्र का यहाँ पे बड़ा पाव ही चलता है जैसे आप देख रहे हैं। तो मनवाड़ से अभी ट्रेन निकल चुकी है, तो अभी शिरडी पहुँचने में मनवाड़ से लगता है 1 घंटा। तो अभी मैं 1 घंटे बाद आपको शिरडी में मिलता हूँ। तो बाय फ्रेंड्स। सो हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं शिरडी पहुँच चुका हूँ। अभी 8 बज रहे हैं रात के और अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ साईं नगर शिरडी रेलवे स्टेशन से। तो बाहर ऑटो वाले खड़े होंगे, तो उनसे जाके पूछता हूँ कितना किराया लगेगा शिरडी तक जाने में। और होटल भी देखूँगा मैं, दिखाऊँगा आपको और उसमें क्या रेंट्स रहेंगे वो भी बताऊँगा। तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी पहली बार आया हूँ। तो हाय, तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, तो वीडियो में बने रहिए आप। तो फाइनली रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हमें ऑटो वाला एक मिला है जो अभी हमें ऑटो में लेके जा रहा है शिरडी। ये ऑटो ही ऑटो खड़े हैं, अभी हमने बार्गेनिंग नहीं की है ऑटो वाले से। 20 रुपये बोल रहे हैं मंदिर तक जाने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह दर्शन करूँगा अभी, तो ऑटो के बाद। हाँ रोहित, मंदिर के 20 रुपए हैं, ठीक है। इस जगह पे क्या करेंगे, सवारी नहीं है, क्या करेंगे सवारी तो आज ये है शिरडी मार्केट। तो काफ़ी होटल ढूंढने के बाद अभी हम आए हैं यहाँ पर साई आश्रम में। तो अभी देखते हैं क्या बजट बनता है इनका, देख सकते हैं आप। शाही आश्रम में आपका स्वागत है। और अभी हम रूम का पूछेंगे यहाँ पे, आपको होटल के बारे में ही बताता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बताता हूँ कि क्या होटल वालों ने क्या डिमांड रखी और कितने पैसे मांगे। फिलहाल आप शाही आश्रम देखिए। सो फाइनली अभी हम शाही आश्रम के अंदर चले गए हैं हॉल में, और वहाँ से हमें एक फॉर्म मिला है तो उसे हमें भरना है। उसके बाद आधार कार्ड के साथ हमें उसको सबमिट करवाना है, उसके बाद हमें एक रूम मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी आप साईं आश्रम आओ तो वहाँ पे आपको अकेले को रूम नहीं मिलेगा, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ होगे तभी आपको वहाँ पे एक रूम मिल सकता है। सो फाइनली रूम मिलने के बाद हम जा रहे हैं मार्केट कुछ खाने, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है हमें। और ये आप साईं मार्केट साईं आश्रम के बाहर की मार्केट देख सकते हैं। तो साईं आश्रम के बाहर पहले गेट के पास एक स्टॉल लगी है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया लग रही है और खाने में भी काफ़ी कुछ है। तो अभी मेरा दिल फ्राइड राइस एंड डोसा खाने का कर रहा है, तो अभी हम भैया जी से वो बोल के वो बनवाते हैं और वो खाते हैं।
और ये साईं आश्रम के बिल्कुल गेट के पास है। भैया कितने पैसे हुए फिर? कितने पैसे हो गए? फ्राइड राइस और वो डोसा 70 रुपये? 100 रुपये? सौ रुपये में दो बंदों का खाने का एकदम बढ़िया हो गया हमारा, फ्राइड राइस और डोसा। तो अभी यहाँ से खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए जा रहा हूँ शाही आश्रम, जहाँ पे मुझे रूम मिला है। तो बाकी जो भी साईं आश्रम का व्यू है या रूम है वो आपको सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है तो आपको भी काफ़ी कुछ क्लियर नहीं होगा। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी साईं आश्रम की वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो सबको गुड नाइट, तो सुबह मिलते हैं, बाय। तो हेलो सभी लोग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और बात ऐसी है कि अभी सुबह थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, तो रात को काफ़ी थक चुका था, और अभी मैं निकलूँगा साईं मंदिर के लिए, वहाँ पे दर्शन करूँगा और आप सबको बताऊँगा कि जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से साईं मंदिर कितना है। और अगर आपको ऑटो में भी जाना होगा तो उसका भी मैं किराया बताऊँगा आपको। वैसे फ़िलहाल मेरा प्लान तो पैदल जाने का है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर का है, बट फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि ऑटो वाले कितने पैसे लेते हैं, तो आपको साईं के दर्शन भी करवाऊँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। अभी चलते हैं हम। तो अभी मैं हम निकले हैं रूम से साईं के मंदिर जाने के लिए, बट पहले मैं आपको साईं आश्रम के सुबह का कुछ व्यू दिखा देता हूँ जो आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ यहाँ से साईं आश्रम से साईं मंदिर, और जैसे आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर बता रहा है, और अभी मैं जा रहा हूँ, पास लेने जा रहे हैं, 2 नंबर गेट से मिलेगा वो पास, फ्री पास है। तो ये लाइन में खड़ा हुआ, अभी हमें फ्री दर्शन पास मिल रहा है। तो अभी वो 11 बजे काउंटर शुरू हुआ है, आपको दिखाता हूँ लाइन, ये फ्री दर्शन पास की लाइन है, ये दे सकते हैं। ये लगी हुई लाइन फ्री दर्शन बुकिंग के पास के, अभी हम पास मिलेगा हमें भी, ये लाइन दे सकते हैं आप। 5 मिनट लग रहा है, ऐसा है कि 2 नंबर गेट के पास आपको लॉकर मिल जाएगा कैमरा और फ़ोन रखने के लिए, तो आप वहीं पर रखना। बाहर तो बहुत सारे हैं जो बोलेंगे लॉकर है भैया, फ्री में है, सब कुछ है, ऐसा है वैसा है, ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। 2 नंबर गेट के पास मंदिर के ये लॉकर है, मोबाइल लॉकर और कैमरा, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं आपको। तो अभी बाकी की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा और फ़ोन तो लेके जाने नहीं दे रहे, तो जो भी है उसके बाद जो होगा वो मैं आपको सबको बताऊँगा। तो फ़िलहाल अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो बाय, मिलते हैं फिर मंदिर के बाद। तो हाय फ्रेंड्स, अभी दर्शन हो चुके हैं हमारे साईं बाबा के, और अभी फ़ोन और कैमरा लिया हमने, और अभी हम निकल रहे हैं शगनी शिरनापुर के लिए। अभी देखते हैं आगे का क्या प्लान है, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो अभी हम आपको गेट नंबर 2 दिखाते हैं, जहाँ से हमने अभी बाहर जाना है। उसे निकलने से पहले मैंने कुछ खाना खाया, तो वहाँ पे अमरूद और अनार मिलते हैं, जो कि बहुत ही कम रेट में वहाँ पे मिलते हैं। तो आप कभी शिरडी जाओ तो यहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, और मुझे तो बहुत मज़ा आया अमरूद और अनार खा के, सो प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई करना। ये सारी मंदिर की मार्केट है जो मंदिर के साथ है, और ये गेट नंबर 2 से जो अभी भक्त खड़े हुए हैं यहाँ पे लाइनों में, जैसे आप देख रहे हैं, और ये सारी मार्केट है, प्रसाद वगैरह मिल जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो अभी हमने दर्शन करने के बाद अभी फ़ोन और कैमरा लिया है, अभी हम निकल रहे हैं गेट नंबर 2 से। ये है भोजनालय का वे, गेट नंबर 2 से भी नज़दीक पड़ता है, पर अगर आप गेट नंबर 1 से सीधा हाईवे पे आके
हाईवे से थोड़ा सा आगे आगे 200-300 मीटर आपको लेफ्ट साइड मिलना है, ये भोजनालय साई भोजनालय का रोड है। तो ये एंट्री है साई भोजनालय की। सैनिटाइज किया जा रहा है पूरा हाथों को। तो अभी ये मैंने सुना है इसका कि ये सारा सोलर सिस्टम से चलता है, जितना भोजनालय है ये साईं बाबा का। तो ये आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम लगे हुए यहाँ पे। तो अभी हम खाना खाएंगे यहाँ पे। यहाँ से आपको पर्ची लेनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही लेबो। और यहाँ से आप पर्ची लोगे भोजन की। भोजनालय हॉल के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे जो हमने फ्री में एक पर्ची ली है जो खाने की, वो यहाँ पे देनी पड़ेगी उसके बाद अंदर। ये पूरा हॉल है, देखिए बैठने की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे। और कितना बहुत बड़ा हॉल है ये, जहाँ तक भी नज़र जा रही है हॉल ही है। तो अभी मैं खाना खाने के बाद अभी निकल रहा हूँ शनि शिंगणापुर के लिए। दिसंबर के महीने में भी यहाँ पे थोड़ी गर्मी तो है, मतलब रात की ठंड है, बट अगर दोपहर को देखा जाए तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। तो यही सजेस्ट करूँगा कि मतलब आप कपड़े कम भी लेके आए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी कपड़े उठा लाए। महाराष्ट्र साइड में तो ठंड थोड़ी कम ही पड़ती है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो ये गेट नंबर 3 है। ये साईं मंदिर के पास ही बस स्टैंड है, तो आप बस स्टैंड से ही नज़दीक पड़ता है ये साईं आश्रम और साईं मंदिर, ये दोनों आप बस स्टैंड देख ही सकते हैं। और अभी हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं साई मंदिर में दर्शन करने के बाद साई आश्रम, हम पैदल जा रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप रेलवे से भी आ रहे हो या बस से आ रहे हो। तो रेलवे से अगर आ रहे हो रेलवे स्टेशन पे उतर के आपको 3 किलोमीटर सिर्फ साई आश्रम 3 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से आपको टेम्पो मिलेगा। तो उसको आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने हैं, 20 से ज़्यादा नहीं लगते। और बस स्टैंड से तो आप फिर पैदल ही जा सकते हो साई आश्रम को, शनि शिंगणापुर वाले रोड पर। तो आप अभी ये रोड देख रहे हैं, ये सीधा साई मंदिर को जाता है जो कि साई आश्रम से 1 किलोमीटर है। तो जब भी आप कभी साई आश्रम रुके हो तो यहाँ से आपको एक बस भी मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साई मंदिर लेके जाएगी। सो आप उस बस में भी जा सकते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट पास बनते हैं जो साई दर्शन के लिए, तो वो आपको साई आश्रम में ही मिल जाएंगे। और आप उस पास को लेकर उस बस में फिर आप जा सकते हो। और जो पास आपको मिलेंगे वो गेट नंबर 2 के होंगे। तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये सुविधा, तो आप इसका प्रयोग प्लीज़ ज़रूर करें। तो आपको एंटर होने के बाद साईं आश्रम के एंटर होने के बाद आपको यहाँ पे आना है।
मैं दिन में तो बना रहा हूँ क्योंकि रात को कुछ वीडियो क्लियर भी नहीं, और आपको भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो यहाँ पे आपको एंटर होना है, उसके बाद आपको यहाँ से एक स्लिप मिलेगी जिसको आपको भरना पड़ेगा, जिसको आपको घर का नाम, अपना पता वगैरह और मेंबर कितने मेंबर हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इनका ऑनलाइन प्रोसीजर भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप रूम बुक करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको मैं ऑनलाइन वेबसाइट दिखाता हूँ उनकी। तो आइए, आप ये सारा जो ऑनलाइन वेबसाइट है, ये ऑनलाइन का ही है, ये ऑनलाइन बुकिंग के लिए दिया गया लिंक है। तो आप इस पर जाके आप रूम बुक कर सकते हैं। अगर रूम मान लो आपने अपने बुक नहीं किए हैं, तो आप इस हॉल में आके यहाँ से, वहाँ से जो टेबल लगा ना सामने, वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगी, वहाँ से आपको वो भर के यहाँ पे देनी है, और इसके बाद आपको रूम की मिल जाएगी, और आपको फिर रूम नंबर बता दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी सुविधा है ये साईं आश्रम की, बहुत कम रेट में यहाँ पे रूम मिलते हैं। एसी वाला रूम है जो 600 में है, और जो नॉन एसी है वो 250 का है। तो ये आप दे सकते हैं, अभी मैं आपको रूम दिखाऊँगा। 22 रूम नंबर है हमारा, ये 23। आप ये देखिए सफाई, ऐसा है ना कि कई लोगों को लगता है कि आश्रम में कुछ ज़्यादा सफाई नहीं होती, बट ये आश्रम कुछ डिफरेंट है। 22 रूम आ चुका है हमारा, और हम आपको रूम दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया रूम है, वॉशरूम भी बहुत सही है। ये साईं आश्रम के सारे रूम्स हैं जो आप देख रहे हैं सामने बिल्डिंग, और हमें जे बिल्डिंग में मिला है 22 रूम, और 22 रूम नंबर है। और यहाँ पे आपको बाहरी चाय वगैरह सब कुछ, कंटीन वगैरह बनी हुई है, और लंगर हॉल अभी फ़िलहाल इनका बंद है क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे साईं सिग्नापुर के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी हम चाय पी के शगनी सिग्नापुर के लिए निकलेंगे। सो काफ़ी थक चुके हैं, बट अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा, साईं के दर्शन काफ़ी अच्छे रहे हमारे। तो अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।